एक ओर अभिभावकों की चिंता तो दूसरी तरफ स्कूल के अध्यापकों के वेतन की चिंता सरकार की एक बड़ी परेशानी बन चुकी है। कभी अभिभावकों की तरफ से शिकायत आती है कि स्कूल की तरफ से फीस को लेकर उन पर दबाव बनाया जा रहा है, तो कभी स्कूल की तरफ से उनकी परेशानी सामने आती है कि अगर बच्चों की फीस नहीं आएगी तो अध्यापकों का वेतन कहां से देंगे। लेकिन सोचने वाली बात है कि लॉकडाउन के वक्त सभी तरह के कारोबार बंद चल रहे हैं, सभी कंपनियां बंद थी और लोग अपने अपने घरों में कोरोना से बचने के लिए, खुद को सुरक्षित करने के लिए कैद थे। फिर भी लॉकडाउन में कुछ रियायत मिली तो कुछ कारोबार शुरू हुए। इसके बाद अब बच्चों के पेरेंट्स से फीस की मांग करना कहीं ना कहीं गलत साबित होता नजर आ रहा है, जिसके लिए सरकार की तरफ से कई नियम बनाए गए, लेकिन तब भी स्कूल्स अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। ऐसे ही कुछ मामले हम आपको दिखाएंगे हरियाणा और उत्तर प्रदेश से। पहले बात कर लेते हैं हरियाणा की, तो आपको बता दें कि हरियाणा सरकार द्वारा आए दिन प्राइवेट स्कूलों के लिए नए नए दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं, ताकि वहां पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावकों को फीस को लेकर कोई परेशानी ना हो, जिनका पालन करना प्राइवेट स्कूलों के लिए नामुमकिन साबित हो रहा है। इसी समस्या को लेकर फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के द्वारा हरियाणा सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट में मुकदमा दायर होने जा रहा है। फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने बताया कि सरकार द्वारा आए दिन नए नए गैर कानूनी निर्देश प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ पारित किए जा रहे हैं, जैसे फॉर्म 6 और अन्य गैर कानूनी फैसले, जिनके खिलाफ अब प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हरियाणा सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट में मुकदमा दायर करने जा रहे हैं। इसी बीच प्रदेश अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने बताया कि हमारे स्कूल जब से लॉकडाउन पारित किया गया है तभी से बंद है, लेकिन हमसे बिजली का बिल एवरेज वसूला जा रहा है, वहीं पैसेंजर टैक्स पर भी पेनाल्टी लगाई जा रही है। हालांकि स्कूल बसें लॉकडाउन के बाद से बिल्कुल ही बंद है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि यदि कोई अभिभावक इस दौर में आर्थिक संकट से जूझ रहा है तो प्राइवेट स्कूल भी उनकी मदद करेंगे। सरकार के जो गैर कानूनी निर्देश पारित किए हैं सरकार ने, जैसे कि आप फॉर्म 6 हमने भरा हुआ है कि आप जो है पिछले माह की, पिछले वर्ष की फीस ले, तो इसको भी हम चैलेंज करने जा रहे हैं कि ये गैर कानूनी है, कोई ऐसा कानून नहीं है। और दूसरा, हमारे पैसे बच्चों की तरफ से फीस नहीं आ रही, तो हमें क्लियर कट निर्देश चाहिए, क्योंकि अभिभावक जो है भ्रमित हो गया इन आदेशों से कि शायद फीस माफ होगी और स्कूलों की फीस नहीं देने पड़ेगी। इससे जो है बहुत सारे स्कूलों में एक भी फीस प्राप्त नहीं हो रही है, और कहीं आ रही है तो 1%, 2% ऐसे फीसें आ रही है जिससे टीचर्स की सैलरी देने का बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। और आने वाले टाइम पे जो ऑनलाइन शिक्षा भी स्कूलों द्वारा चलाई जा रही है, शायद वो भी बाधित हो जाए और बंद करनी पड़े स्कूलों को, अगर आर्थिक संकट इसी तरीके से बढ़ा और अभिभावकों ने फीस नहीं दी। अब बात कर लेते हैं यूपी के सहारनपुर की। कुछ ऐसा ही मामला सहारनपुर से भी सामने आया है, जहां फीस माफी के विषय में कांग्रेस नेता संजय वालिया के नेतृत्व में अभिभावकों ने हकीकत नगर में धरना स्थल पर धरना दिया। सहारनपुर अभिभावकों का कहना है कि लॉकडाउन के कारण परिजन भी काम पर नहीं जा पा रहे हैं, तो कैसे वो स्कूल की फीस भर सकते हैं। इसको लेकर स्कूल प्रशासन द्वारा निरंतर मिल रहे फीस जमा कराने के दबाव के चलते सहारनपुर में अभिभावकों ने कांग्रेस नेता संजय वालिया के नेतृत्व में हकीकत नगर में धरना स्थल पर फीस माफी के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हाथों में बैनर लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान बच्चों ने बताया कि उनके परिजन लॉकडाउन के चलते अपने काम पर नहीं जा पा रहे हैं, ऐसे में परिजन फीस कैसे जमा कराएं। इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी से निवेदन करते हुए स्कूल प्रशासन द्वारा फीस माफ कराने की गुहार लगाई है। लेकिन क्या अभिभावकों का ये धरना उनकी कोई मदद कर पाएगा? अपने घरों पर दीप जलाकर, मोमबत्ती जलाकर एक आह्वान करेंगे अपने बच्चों के भविष्य के लिए, आज पहली बार अपनी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, लॉकडाउन की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अपने घरों पर दीप जलाने का काम करेंगे और अधिकारियों को और हमारे मोदी और योगी को जगाने का काम करेंगे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अभिभावक कहां से स्कूल की फीस भर दे, जब अभी कोई काम धंधा ही ठीक से नहीं चल पा रहा।